मैं मेहनत करूंगी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूंगी, एक दिन ऐसा चमकूंगी ना कि ये पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी और ये इंडियन आइडल खुद मुझे यहाँ पर बुलाएगा। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। मुझे संगीत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग कुछ ना कुछ बन के निकले हैं, इसलिए मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिश है जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी उस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहती हूँ जहाँ के लिए मैंने इतनी तैयारी की है। संगीत की दुनिया में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, वो मैं करूँगी, बस मुझे एक मौका चाहिए, मुझे एक मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो कि मैं करूँगी। मैं दुनिया से लड़ के यहाँ पर आई, कोई मुझे गाने नहीं देता था, सब मुझे रोकते थे कि यहाँ ये मत करो, यहाँ वो मत करो। मैं और मेरी मम्मी दोपहर में चाहे धूप हो चाहे बारिश, हम लोग पंत स्टेडियम जाते थे, वहाँ लोग देख कर हंसते थे कि ये पागल है क्या जो यहाँ बैठ के धूप में रियाज कर रही हैं। उन्हीं को मुझे दिखाना है कि अगर पागलपन ऐसा है तो ऐसा पागलपन सब में होना चाहिए संगीत के लिए। मेरा नाम साहिबा असलम है और मैं यहाँ आई थी रात 1:30 बजे से ऑडिशन देने के लिए, बट यहाँ किसी ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, कुछ रीज़न भी नहीं बताया कि हुआ क्या है, रिजेक्ट कर दिया और बोला कि आप बाहर वेट करिए। बाहर हम लोगों ने वेट किया तो वहाँ बताया गया कि यहाँ किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो क्यों बुलाते बच्चों को जब आपको सेलेक्ट नहीं करना है रहता है। मेरे पापा हाँ, मेरे पापा विकलांग है जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आए। एक नई उम्मीद उनके मन में थी कि यहाँ शायद मेरा ऑडिशन होगा, लेकिन यहाँ किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। मेरी मम्मी जो कि एक बीपी पेशेंट, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार कर जान। हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं जान।